जाने जाने वेदा पुराने गुण काहे जे बसोरी महाप्रभु करना तब पतिता पावन काहे लोग नहीं पावे करियो शरण वंदना करी ते मुई तथो शक्ति धारी हम तो घर में नहीं जा
हम लोगों ने जो डायरी है ना रोज ही उसका इको आते हैं काम करते हैं। इसलिए जो भजन में है वो सारे संतों को प्रणाम किया, उसका अर्थ आप समझोगे ना इतने बढ़िया अर्थ बता रहे हैं, बड़ी सुंदर अर्थ इतना से कम कर। इसलिए उसमें बहुत सुंदर सुंदर उसमें अर्थ, उसमें अच्छी अच्छी उसमें अर्थ बता रहे। इसलिए लोग ये भजन को गाया करो और उसमें देख करके क्या बोलते हैं वो भजन को देखो, क्या बोलते हैं कि भजन को देखो। देखो बंगला भजन गा रहे ना, तुम्हारे हृदय में भक्ति की भावना है। हिंदी का जो भजन नाच कूद वो खत्म और कुछ नहीं, और नाच कूद पर खत्म है तुम्हारे, उसके आगे कैसे भक्ति में बढ़ोगे ना। इसे बंगला भजन में इतनी अच्छी अच्छी भजन ये बंगला में, इतनी अच्छी अच्छी भजन, इतने भावात्मक भजन ये भजन में है। इसलिए बंगला भजन गाओ, और जो बंगला के भजन गाए हैं अक्सर करके वो बड़े बड़े संत लोग गाए, ये बड़े बड़े संत लोग का ये गाया हुआ है। ठाकुर जी इसकी प्रार्थना सुनते हैं, संतों की प्रार्थना सुनते हैं, सबका प्रार्थना नहीं सुनेंगे। कभी कभी हिंदी भजन होता है ना, जैसे तैसे व्यक्ति बना बना कर प्रकृति बनाते हैं। कुछ कुछ भक्त है जो मीरा ने गाई है, चंद्र सखी ने जो पुराण पुराण पद है जिसको सूरदास संत लोग गाए हैं, जो अक्सर करके बाद में जो हिंदी भजन है जो नागरिक किसने किसने सब अपने आप में बना दिया। क्योंकि भगवान किसकी प्रार्थना को सुनते हैं, संतों की प्रार्थना सुनते हैं। इसलिए किसी संतों की पद को जो हम गाएंगे ठाकुर जी को पद को ठाकुर जी सुनते हैं, नहीं तो हर चीज़ को ठाकुर जी ही सुनते हैं, ठीक है ना। अभी एक भजन गा रहे हैं, भले वो दिलारुना आप उसमें देख सकते हो उसमें कितना भले वो दिलारुना भावना के हो
ना भजी ले जसोदा सुत चरण में पड़ गए। बोले कहते केवल दुर्लभ मानव देह पाया की कर भाव, कहते जो भगवान ही मानव शरीर तुझे दिया है, बोले पाया की कर भावना क्यों तू सोचने क्यों नहीं सोच रहे हो भगवान तुम्हें ये जीवन दिया क्यों? अगर तुमने इस जीवन में भजन नहीं करोगे तो कह रहे हैं तुम्हें दो बार मानव शरीर नहीं देंगे। लाजे मतलब होता है, इसका मतलब होता है फिर जब तुमको मानव शरीर नहीं मिला सब पिटते रह जाओगे, भगवान तुम्हें ये मानव शरीर नहीं देंगे। जिसको भजन में ये कह रहे हैं, इसलिए उदित तपन हैले अस्त दीन गलवली हैवे व्यस्त। जैसे कहते हैं ना, जैसे सूर्य जब अस्त हो जाते हैं हम क्या कहते हैं, दीप चला गया बोलते हैं ना। जब सूर्य अस्त हो जाता आज का दिन गया, हम कहते हैं उदित तपन दीन गलवली है, तब भी कहना है आलस भाई नागर हृदय राजा। तू स्वयं कह रहे हो दिन गया तुम्हारी दिन गया, फिर तुम भगवान की भजन नहीं करके समय को क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्यों जीवन को तुम बर्बाद कर रहे हैं क्यों है? देखो एक समय एक बहुत बड़ा जमींदार था जिसका नाम था लाला वृंदावन में मंदिर, अब जाना गोपीश्वर महादेव दर्शन का मंदिर थे बहुत बड़ा मंदिर थे, और लाला बाबू थे बहुत बड़े जमींदार थे। पहले क्या होता था सबके साथ गीता रामायण भागवत पढ़ते थे, पढ़ने का नाते उनके अंदर जो संस्कार होता था हर शास्त्र एक ही बात कहता है कि जीवन दुर्लभ है, ये जीवन पात्र के भजन करनी चाहिए। इसलिए लोगों को ये ज्ञान अभी इस बच्चों को ये सब चीज पढ़ाया नहीं जाता है, है? बच्चों को नहीं पढ़ा सको विदेशी का जितने अंग्रेजी जितने मैथमेटिक्स उल्टा पुलटा बच्चों को पढ़ाते हैं, केवल कैसे पैसा कमाओगे पैसा कमाओगे यही यही सिखाते हैं, और ये सब चीज गीता रामायण पढ़ते नहीं संस्कार नहीं होती। अभी वो लाला बाबू पहले समय का है, उनको पता था जीवन भगवान भजन के लिए दिया, लेकिन बड़े बहुत बड़ा जमींदार थी, वो जमींदारी का काम करते 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 उनको जीवन गया। एक समय वो छत ऊपर खड़े हुए थे और उधर सूर्य अस्त हो रहा था, एक फेरी वाला था, पहले था ना गाँव गाँव में फेरी वाला जाते थे गाँव गाँव में चीज देते थे फेरी वाला, और फेरी वाला ने उनको कुछ सामान दिया था, उन्होंने बोले मैं जाते समय पैसा लेकर के जाऊंगा तुमसे, है माल ले लो जाते समय, और जो लौट रहा था बोले लाला बाबू ये बंगला लाला बाबू बेला गेलो, मतलब है सूर्य डूबते जा रहा है और मेरे को बहुत दूर तक जाना है, दूर हमें बड़े दूर तक जाना है, जल्दी जल्दी पैसा दो समय कम है हमें बड़े दूर तक जाना। देखो उन्होंने कितने बड़े उनको जो बात बताया उनने उसको किस रूप में ग्रहण किया है, बोले जाना दूर है मतलब क्या कि जो भगवान मानव शरीर दिया किसी जीवन में भगवान तक हमें पहुंचना है, कहां तक पहुंचना है भगवान तक हमें पहुंचना है, दूर जाना ठाकुर को लोग वृंदावन में जाना, लेकिन समय कम है, सूर्य डूबते जा रहा था ना, समय कम है, समय और है नहीं, जीवन का सूरज डूबते हुए जा रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी पैसा दो। लाला बाबू ने देखा भैया ये तो सही बात बताया, मेरा जीवन की हाँ वो धीरे धीरे वृद्ध होते जा रहे थे, उनको पता गीता रामायण पढ़ते भागवत पढ़ते सुनते हैं जीवन भजन के लिए दिया, ये घर गृहस्थी माया के लिए ठाकुर को जीवन दिया ही नहीं है, इसलिए उनको बड़ा धक्का लगा, ये तो सही बता रहा है जीवन कम है, जीवन का सूर्य डूबते हुए जा रहा है, है? डूबते हुए जा रहा है सचमुच से, और ये जमीवारी ये उनका जो जमीवार था उनका जो ये उनका जो क्या बोलते उसका जो जमीन जगह जो था वो बोले ये सब छोड़ करके हमें भजन करने के लिए चले जानी चाहिए और हमें देर नहीं करनी चाहिए हैं, सारे दायित्व को छोड़ कर भक्त अभी उसने क्या किया छत से उतर करके आ गए आ करके बोले और नहीं अभी हम वृंदावन चलते भजन करने के, लेकिन मेन रोड पर खड़े थे वो सोच रहे जमींदार, बोले बहुत बड़ा जमींदारी है बहुत सारी बात काम भी बाकी है, अभी सोच रहे हैं अभी तो बहुत सारी जमींदारी मेरे ऊपर में अभी तो कुछ काम बाकी है, अभी वो सोच रहे हैं ये सारे बाकी काम को पूरी करके हैं फिर तो हम वृंदावन जाए, फिर सोच रहे हैं भैया संसार का दायित्व तो कभी खत्म होता ही नहीं, एक बात समुद्र में लहरी आता है ना एक बात एक बात में एक बात एक एक जमींदारी के बाद अलग, लोग सोचते हैं भैया जब बच्चों को शादी कर देंगे ना फिर तो हमारा सब खत्म हो जाएगा, बच्चे ये हो गए बच्चे बड़े हो गए शादी कर देंगे सारा जमींदारी खत्म हो जाएगा,
चलो शादी कर देते हैं, घर जो बहू आ जाती है, पहले तो कहीं सत्संग में भजन में चले जाते थे, घर जो बहू आ गई अभी अकेले कैसे छोड़े, अकेले कैसे छोड़े, अकेले कैसे छोड़ दे क्या। फिर जब नाती पति हो जाए ना घर तो हो गया, स्कूल भेजना, अगर पिता माता अगर बच्चे को नहीं पकड़ के बोले ताना पड़े, अगर टोकरी भर रहती है, बूढ़ा भूखता रहता है, बच्चे को पकड़ता है नहीं, देखता नहीं, फिर वो ताना मारती रहेगी। हाँ आप देखना ये संसार है ना, एक बात में एक एक बात में एक करते 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 जीवन खत्म खत्म। अभी वो बीच रोड में खड़े होकर सोच रहे हैं अभी चली जाए वृंदावन भजन करने के लिए, नहीं तो नहीं तो और कुछ मेरे ऊपर जमी वाली इसको थोड़ी सी सुलझा कर दे जाओ। मेन रोड पर खड़े होकर के सोच रहे, इतने में एक जमादार ने झाड़ू लगा रहे रास्ता में, बोले लाला बाबू एक तरफ हो जाओ। लाला बाबू एक को झाड़ू लगा रहे थे ना मेन रोड में, और वो मेन रोड पे खड़े होकर सोच रहे, बोले लाला बाबू एक तरफ हो जाओ। बोले तो सही बता रही, ये तो बात सही बता रही, एक तरफ हो जाओ, अभी तो मैं दो तरफ में हूँ, अभी सोच रहा हूँ, अरे मैं सोच रहा हूँ करके जाओ ना, ये करके जाओ, ये काम संसार का काम तो खत्म नहीं होगा, एक तो बात एक एक तो बात एक, बल्कि जितना करोगे आगे बढ़ते जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाता है। फिर उन्होंने वहीं पर उन्होंने सब त्याग दिया, अपने सारे काम को उन्होंने त्याग दे करके बोले नहीं और नहीं घर गृहस्थी कुछ अभी छोड़ो, उन्होंने पूरा छोड़ करके वृंदावन में आए। लेकिन जब वृंदावन में आए उसी समय और एक बहुत बड़ा जमींदार था, ये एक थे और एक जमींदार था, इसका नाम था लाला बाबू और एक का नाम था जगत सेठ। जो आप रंगजी मंदिर देखे हैं, जो बहुत बड़ा मंदिर है जिसने बनाया वो जगत सेठ है, और उसको पास में जो मंदिर है एक लाला बाबू ने बनाया, ये दोनों ही जमींदार थे। और जमींदारी मैंने कहना था कभी क्या होता है बीच बीच में लड़ाई झगड़ा होता है प्रॉपर्टी को लेकर के, ये मेरी प्रॉपर्टी और तेरी प्रॉपर्टी, जो नहीं पैसा वाला, अभी दोनों के अंदर में बड़ी दिन तक उनको केस मामला होता था। चलने का नाते जब भजन करने के लिए आ गए, वो जो जगत सेठ था वो रोज क्या करता था, जो वृंदावन में भजन करने के लिए आते थे भक्ति करने के लिए, सबको रोटी सब्जी अपना हाथों से देता था, संत सेवा करता था, जो हमारी कुछ कमाई साधु संत की सेवा में लग जाता, हमारे कुछ संस्कार बनेगा है, संतों के आशीर्वाद मिलेगा, अपना हाथों से रोटी सब्जी देता था। लेकिन ये लाला बाबू क्या करते थे, नहीं जाते थे वहाँ, क्यों, पहले उनके साथ में केस कोर्ट मामला मुकदमा हुई है बड़े दिन तक, उनके हृदय में की भावना उसको पास में कैसे जाए, जिसको साथ में हमने इतने दिन तक लड़ाई थी कोर्ट में, इसलिए नहीं जाती है। लेकिन जो राधा रानी है ना वो बड़े दया, राधा रानी बड़ी कृपा हुई, क्योंकि वृंदावन में जो भजन करने के लिए आते हैं राधा जी की कृपा से ही ब्रजवास होता है, वह वृंदावन तभी वास कर सकता है राधा जी की कृपा से, अगर राधा रानी की कृपा नहीं होना तो ब्रजवास नहीं कर सकता, तो भक्ति कर नहीं सकता वहां। इसलिए राधा रानी सबको मदद करती है। अब राधा रानी सोच रही है इसने तो इतने बड़े जमींदारी छोड़कर के भजन करने के लिए आ रही, अभी भी इसके अंदर में उनका प्रति द्वेष भावना है, कहते अगर भक्ति करने के लिए आओ ना हृदय से छाड़े छाल कपट द्वेष ईर्षा ये सब त्याग देनी चाहिए, तभी भगवान हृदय में आकर के बैठते हैं। इसलिए कहते हैं ना संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी नहीं परा कभी न जाना है, कहते हैं कि संतों का हृदय मक्खन से भी ज्यादा कोमल है, मक्खन कब पिघलता है बल्कि जो सूर्य का किरण गर्मी पड़ने पर पिघलता है, लेकिन पर दुख द्रव्य संत दूसरों का दुख से संतों के हृदय पिघल जाती है। अभी राधा रानी सोच रही है भजन करने के लिए आया बेटा, लेकिन अभी भी उनको प्रति द्वेष ईर्ष्या है। इतने में राधा रानी एक छोटी बालिका बन गई है, बोले बाबा बाबा भजन करने के लिए आए हो, अभी तक तेरे हृदय में ईर्षा द्वेष में भरा पड़ा हुआ है, ईर्षा द्वेष रहने पर ब्रजवास नहीं होता है, भगवान की भक्ति नहीं होती है, हैं इसलिए तू वहां पर क्यों माधुरी लेने के लिए क्यों नहीं जाते हो, तुम तेरे हृदय में अभी भी वही ईर्षा द्वेष बैठा हुआ तेरे हृदय में, वहां माधुरी लेने के लिए जाया करो। राधा रानी स्वयं आकर बोली, बोलिए लाली सही बता रहे, ये लाली सही बता रहे। इसलिए उन्होंने दूसरे दिन जिस लाइन में साधारण साधु खड़े होते हैं
साधन में भिखारी खड़े होते हैं, लाला बाबू इतने बड़े जमींदारी है, उन्होंने उससे लाल में खड़े हुए खड़े होकर के सबको वो रोटी सब्जी दे रहे थे जगत से। जब इनकी बारी आई ना, लाला बाबू क्यों, बहुत बड़े जमींदार थे, वो भी जमींदार थे, लेकिन जमींदार होकर के इनको पास में रोटी सब्जी लेने के लिए साधारण आते, मतलब उन्होंने पहले तभी वो व्यक्ति आया जब उन्होंने हृदय से सारी ईर्ष्या द्वेष को निकाल दिया, तभी ये आए उनके पास में रोटी और सब्जी लेने के लिए। लेकिन जब उन्होंने उनको देखा है ना, देखते ही इनका हृदय एकदम पानी, इनका हृदय हो गया है, हृदय पानी हो गया। फिर उन्होंने क्या कि उनको उन्होंने आलिंगन किया है, बैठ जाते हैं, इसलिए उन्होंने उनको आलिंगन किया, आलिंगन करके दोनों को आलिंगन करते हुए फिर उनका हृदय में जितने ईर्ष्या द्वेष था ना, सब अपना हृदय से उन्होंने निकाल करके फिर उन्होंने शुद्ध होकर के भगवान की भक्ति करने लगे। अभी राधा रानी तक ये चीज को छुटा दी, लेकिन वो जब घर से आए थे एक बहुत बड़े कीमती साल लेकर के आए थे, बहुत कीमती हाँ बड़ा कीमती साल लेकर के आए थे, लेकिन उसको ओढ़ते थे, भिक्षा करने जाते थे। राधा रानी ने देखा ये भी एक जंजाल है, क्योंकि दो रोटी मांगने के लिए किसी घर में जाएगा और इतनी कीमती चीज को ओढ़ करके हैं कीमती चीज, इसलिए महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला, बोले भाला ना खाएगा और भाला ना पड़ेगा, हैं ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस करेगा। ये महाप्रभु कह रहे हैं, कहते केवल महाप्रभु चार लाइन में सारे शास्त्र का सिद्धांत बता दिया। जब रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के पास में गए, बोले प्रभु मैं चाहता हूँ आप अपना मुख से कुछ हमें उपदेश प्रदान करो। बोले मैं तो तेरे को स्वर्ग दामोदर को दे दिया है, उनसे मेरे से ज्यादा जानता, उनसे सीखा करो। बोले प्रभु अपना मुंह से कुछ सुनना चाहता हूँ। तब महाप्रभु चार लाइन बताए, महाप्रभु ने बताए भालना खाईवा और भालना पड़ीवा, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया मत खाया करो और बहुत बढ़िया बढ़िया मत पीना करो। बोले क्यों, कहते हैं बढ़िया बढ़िया खाओगे तो अपना क्या करोगे, जाता जितने भोग वृत्ति आएगा, भोग वासना आएगा कि बढ़िया के दिल में तारी, बढ़िया बढ़िया खाओगे फिर मन में भोग की वासना आएगा, फिर तुम्हारी मन इधर उधर भटकेगा। अगर बढ़िया बढ़िया पहनोगे उसमें तो अपना हानि तो है ही है, उसमें ज़्यादा लोग दूसरों का हानि नहीं, क्यों जो बढ़िया पहनोगे ना शीशा के सामने बार बार खड़े होकर देखोगे, फिर जो रास्ता में चलोगे फिर तो अपना बुराई तो किया दूसरा का भी अमंगल है, क्यों दूसरे देर को देख रहा है कि नहीं आज इतने मैंने बढ़िया साड़ी कपड़ा पहना कुर्ता पहना दुनिया मेरे को देख रहा है, फिर तो क्या हुआ, एक मतलब अपना मन भी गया विषय में और दूसरा का भी बिगड़ा, तुमने अपना भी बिगड़ा और तुमने दूसरे को भी तुमने बिगाड़ा, दोनों भी तुमने बिगाड़े हैं। इसलिए कहते हैं भाला ना खाई वे और भाला ना पड़ी वे, बोले ग्राम्य वार्ता ना बोली वे ग्राम्य वार्ता ना पड़ी, मतलब है भगवान की बात छोड़ करके दूसरे बात बोलना नहीं और दूसरे बात सुनना नहीं, बोलना भी नहीं और दूसरे बात सुनना भी नहीं है। इसलिए जब दूसरे बात बोलोगे और सुनोगे क्या होगा, फिर तुम्हारी मन भगवान को छोड़ कर तो और किसी चीज में जाएगी। और दूसरी बात, जब हम किसकी बुराई करते हैं उससे क्या होता है, जिसकी बुराई करेंगे ना उसका सारे पाप तुम उसको जिसको बुराई करोगे उसको सारे बुराई तुम्हारी अंदर में आएगी। कहते ना दूसरे के लिए जब गड्ढे खोदते हो पहले गड्ढे में तुम्हें उतरना पड़ेगा, पहले तुम्हें गड्ढे में उतरना पड़ेगा, तभी तो गड्ढे में तो पहले तुम तो उतरोगे ना गड्ढे में, फिर दूसरे के लिए गड्ढे खोदोगे। इसलिए दूसरे के लिए गड्ढे खुदा मत करो, पहले खुद गिरोगे फिर दूसरे के लिए। इसलिए महाप्रभु ने बताए ग्राम्य वार्ता ना बोलिए, ग्राम्य वार्ता ना कहिए और ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस करिवे, और मन मन में क्या करना, राधा कृष्ण की मानस की सेवा अपना मन मन में ठाकुर जी की सेवा करना। उसको त्यागी थे ना, उस त्यागी होने का नाते उस समय तो जैसे ठाकुर का सेवा पूजा करते ऐसे नहीं, फिर तो मानसिक रूप में हर समय अष्टकालीय जो चिंता है, अभी कृष्ण जैसे हम सभी मंगलारती किया है, मंगलारती में हमने क्या बताए, बोले मंगल श्री गुरु गौर
मंगल मुरारी मंगल श्री राधा कृष्ण जुगल प्रीति मंगल निशांत लीला मंगल कैसे राधा कृष्ण निकुंज में विश्राम कर रहे हैं, अभी उनको आरती उतारना है। राधा रानी कहाँ से आई है? वो जावर से आई है। कृष्ण कहाँ से आए? नंदगांव से आए। और दोनों निकुंज में विश्राम कर रहे हैं। अभी जो मंगला आरती होती है ना, नियम है थोड़ी थोड़ी सवेर होनी चाहिए। सवेर इसीलिए अभी राधा रानी वो चली जाएगी जावर में और कृष्ण चले जाएंगे नंदगांव में। सूर्य उदय होने से पहले राधा रानी पहुंच जाती है अपना ससुर घर में पहुंच जाती है और कृष्ण अपना घर में पहुंच जाते हैं। इसलिए उसका परिवेश कैसे उसमें वर्णना करते हैं, कैसे सुंदर बेली चमेली जूई कैसे सुंदर फूल खिले हुए हैं, उसकी भिन्नी 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 मीठी मीठी उसमें सुगंध आ रही है और सुंदर कैसे सरोवर है और चार तरह का कमल का फूल खिले हुए, नील कमल श्वेत कमल लाल कमल पीले कमल कैसे सुंदर कमल फूल खिले हुए हैं, उसकी सौरभ कैसे चारों तरफ में आमोद कर रहे हैं, बड़े सुंदर पेड़ पौधा लता पता है यहाँ पर वृंदावन की शोभा। और ये सखी मंजरियाँ क्या करती हैं, एकदम सवेरे सवेरे उठ जाती हैं, उठ करके क्या करती स्नान करती हैं, स्नान करके फिर अपना तिलक लगाती हैं, तिलक लगा करके ठाकुर जी का अर्घ देती हैं, ठाकुर जी का अर्घ। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि गौड़ीय मठ नहीं हमारे जो गृहस्थों का घर नहीं, राधा रानी का जो निकुंज मंदिर को मैंने उतारा है, राधा रानी का निकुंज मंदिर को मैंने यहाँ पर उतार दिया है, हैं? ये मेरे भक्तों का घर नहीं, निकुंज राधा रानी की निकुंज मंदिर ये है। कभी निकुंज मंदिर कब होगा? निकुंज मंदिर तभी होगा जब हम क्या करेंगे, हैं? जब घर में भगवान की सेवा पूजा करेंगे, ठाकुर जी की सेवा पूजा करेंगे, तभी ये निकुंज मंदिर तभी तो बनेगा, निकुंज मंदिर बनेगा कैसे? इसलिए प्रभुपाद कहते थे जैसे कोई नौकरी पाने के लिए पहले तो प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रैक्टिस करोगे तभी तो तुमको नौकरी मिलेगा, अगर यहीं पर तुमने प्रैक्टिस नहीं किया तो फेल हो, तो नौकरी होगी तो मिलेगी नहीं। मतलब यहीं पर हमें क्या करना पड़ेगा, सवेरे सवेरे ठाकुर जी की सुंदर मंगला आरती करो, सवेरे उठो स्नान करो तिलक लगाओ अपना गुरु मंत्र को जप करो तुलसी परिक्रमा करो सुंदर ठाकुर जी की आरती उतार, ठाकुर जी की सुंदर रूप में ठाकुर जी की आरती। गोलोक वृंदावन में भी यही होता है ना, गोलोक वृंदावन में सखी मंजरिया उठ करके ठाकुर को सुंदर आरती उतारते हैं, तुलसी परिक्रमा करते हैं, राधा कृष्ण को जगाते हैं, हैं? यही तो करते हैं ना। इसलिए ये प्रैक्टिस स्थान है, अगर इतना यहाँ सुंदर प्रैक्टिस करोगे बस वहाँ पर तुम्हें उतना बढ़िया नौकरी मिल जाएगा, राधा रानी के दरबार में उनकी सखी मंजरी फिर बनेंगे, फिर उनकी सेवा करोगे। अगर यही नहीं करोगे तो वहाँ कहीं जाओगे, फिर वहाँ कहीं जाओगे? इसलिए यहाँ पर अच्छी तरह से बढ़िया से यहाँ पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, सारे भक्ति के अंगों को यहीं पर हमें जागर करनी चाहिए, ठीक है ना। रोज तिलक लगाया करो, जैसे हम आए इसलिए तिलक नहीं, रोज बगैर तिलक के ठाकुर का सेवा नहीं होता है। देखना जैसे कोई ब्राह्मण आएगा पूजा कराने के लिए, जब तक तुम्हें तिलक नहीं लगाएगा ना तो तुम पूजा नहीं कर पाएगा, क्यों? तिलक के बगैर पूजा निष्फल है। जैसे कोई अच्छे काम जा रहे तिलक लगा कर वैसे जा बैठा काम बन जाए, ये तिलक साधारण नहीं, ये गोपियों के चरण बल्कि उद्धव बन गए हैं, इसलिए बार जगह पर तिलक रूप में ठाकुर जी की निवास है, इसलिए तिलक जरूर लगाओ। कहते तिलक को जो दर्शन करता है ना उसको कृष्ण दर्शन करने का फल मिलता है, जो तिलक को दर्शन कर लेगा। एक समय कोई एक स्टूडेंट महापुरुष जब टीचर थे, एक स्टूडेंट क्लास में आया बगैर तिलक लगा करके, महापुरुष क्लास में बैठने जो तुमने तिलक नहीं लगाया, तुमने गुरु मंत्र जप नहीं है, जाओ घर में जाओ तिलक लगा कर गुरु मंत्र जप कर तो यहाँ पर आओ। महापुरुष बैठने दिया नहीं दिया क्लास में, शिक्षा देते हैं अगर तिलक नहीं लगाएंगे तो भगवान की टोली में तुम बैठने का अधिकार नहीं होगा, तुम बैठने का अधिकार तुम्हारे यही नहीं। इसलिए देखो हम कृष्ण को देखो बाकी तिलक, कृष्ण राम को देखो तिलक लगाए, हनुमान जी को तिलक, नारायण का तिलक देखा उनको तो आधा मुँह इतना मुँह यहाँ तक देखो तिलक, इतना बड़ा तिलक था, हैं? इतने बड़े तिलक ठाकुर जी लगाते,
और हम कई गोपियों की चरणा धुली है, इसको लगाने से हृदय भक्ति जागृत होगा। हम संतों का चरण धुल लेते हैं ना, संतों का, इसलिए संतों की चरण धुली है। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, अगर भगवान की भक्ति पाना चाहते हो, सबसे तीन सरल उपाय है प्रभु की प्रेम भक्ति पाने का। बोले वो तीन चीज क्या है, बोले भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष ये तीन साधन निर्भर है। एक तो भक्तों का चरण धूलि, दूसरे भक्तों का चरण अमृत, तीसरा उनका अधरामृत व कथा अमृत है। ये तीन चीज जितने जल्दी प्रभु की प्रेम देने वाले उतना जल्दी और कोई प्रेम देने वाले नहीं। मिलर क्या है, राधा रानी की ये चरण धूलि है। नारद जी स्वयं ब्रज से लेकर के द्वारका गए, भगवान स्नान किए, तभी भगवान का सर दर्द बुखार तभी उतरा ठाकुर जी है। ठाकुर जी का सर दर्द बुखार हो गया था, बोले केवल भक्तों की चरण धूल, राधा की ये चरण, ये तिलक नहीं, राधा जी की चरण धूलि है। ये द्वारका से है, ये द्वारका से आता है, ये मिट्टी कहीं नहीं मिलेगी, केवल द्वारका से ही ये मिट्टी मिलती है। इसलिए इसकी बड़ी महिमा, ये तिलक की बड़ी महिमा, ठीक है ना। रोज बढ़िया से तिलक लगाया कर, शर्म नहीं करना, शर्म तो गद्दी काम के लिए शर्म करनी चाहिए, भक्ति के लिए शर्म नहीं, ठीक है। इसलिए कहते लाला बाबू, अभी राधा रानी ने देखा इनका तो एक दोस्त को निकाल दिया, जो पहला अभिमान था, अभिमान को मैंने दूर कर दिया। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, ऊपर में कंबल ओढ़ कर रखे हैं, इतने कीमती कंबल ओढ़ करके रखे और दो रोटी मांगने के लिए जाते हैं। फिर राधा रानी एक छोटी बालिका बन कर कहीं, बोले बाबा बाबा जाते हो तुम भिक्षा मांगने के लिए, रोटी मांगने के लिए, और इतने कीमती कंबल ओढ़ करके जाते हो, लोग क्या बोलेंगे हैं। जिस घर में जाता है वो भी इतने बढ़िया कंबल नहीं ओढ़ते हैं, इतने हाँ कीमती, और तुम जा रहे हो दो रोटी मांगने के लिए, ये भजन करने का तरीका नहीं। बोली लाली तो सही कह रहे हैं, ये लाली तो सही कह रहे हैं, पर उन्होंने उसको भी त्याग दिया। इसलिए वृंदावन में जो भजन करने के लिए आती है राधा रानी, हाँ जो राधा रानी उसके ऊपर में आशीर्वाद करती है, राधा रानी उसके ऊपर में कृपा करती है। राधा जी की कृपा से ही ब्रजवास संभव होता है, हैं, ब्रजवास संभव होता है। लेकिन ब्रज में रहकर भक्ति करनी चाहिए, ऐसे नहीं ब्रज में रहने का तो हमने बनाया बहाना, लेकिन भक्ति का आड़ में गलत काम करते नहीं, ये राधा रानी ये चीज को सहन नहीं करती है। ब्रजवास वही करते हैं जो ब्रज में रह करके सचमुच से 24 घंटा भगवान की भक्ति पूजा सेवा में जो लगे हुए हैं, राधा रानी उसके ऊपर में राधा रानी की कृपा होती है। इसलिए वो भजन में गा रहे हैं, उदित तपन हैले अस्त दीन केल बलि है वे व्यस्त, तबे केन एवे आलस होई ना भज हृदय राजे। जब दिन चला जाता है, सूर्य डूब जाती है, खुद कहते हो भैया दिन गेलो, दिन गया है, दिन गया मतलब क्या, तुम्हारा जो जीवन का परमाल था वो तुम्हारे परमाल का एक दिन तुम्हारी गया, नष्ट हो गया, वो फिर नहीं आएगा। जो गया समय है वो समय कभी दोबारा नहीं आएगा। लेकिन वो कह रहे वो समय की सही उपयोगी कब है, जब समय का सही उपयोगी तभी जब इस समय को हम भगवान के भजन में, मानो जैसे टाटा बिरला अंतिम सज्जा में लेटा हुआ, डॉक्टर ने बोल दिया इसकी अंतिम श्वास है, अगर वो बोले तुमको चार कोई भी धीरे दे रहे चार श्वास को वापस ले आओ, ला सकता है चार श्वास को, नहीं ला सकता है। मतलब ये जो एक एक श्वास है ये कोई भी हीरे से ज्यादा महत्व एक एक श्वास है। इसलिए जो एक श्वास गई है तुम जो कुछ देने पर श्वास को वापस नहीं ला सकते हो, इतनी कीमती है। लेकिन ये श्वास की सार्थकता कब है, तो भजन में कह रहे श्वास की सार्थकता तभी जब तुम्हारे श्वास में हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे, जोर से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हैं। इसलिए उसको बाद में फिर बोलते हैं, बोले जीवन अनित जन सार
ताहे नाना विध विपद भार नामाश्रय करी जतने तुमि ताकह अपन ताहे नाना विध विपद भार नामाश्रय करी जतने तुमि ताकह अपन काजे। तो वो क्या कह रहे हैं, बोले जो जीवन है, जीवन अनित्य जानह सार, वो कह रहे जो जीवन कैसे है, जैसे कमल पत्ते के ऊपर में कमल धला जल जीवन टला, जैसे कमल पत्ते के ऊपर से पानी रखो ना, किस समय भी गिर सकता है। इसको बोलो भजन करने के लिए, बोले थोड़ी हम बुढ़ा भी होंगे, अभी तो बहुत दिन जिंदा रहे, भजन कर ही लेंगे। कहते नहीं है, वो नहीं, बोले जीवन टल वाला कमल दल जला, वो कभी भी श्वास बंद हो सकता है। हमने जो श्वास छोड़ा है, दो बार भी श्वास ले सकते हैं, कोई बोल सकता है ना, लोग बैठ बैठ कर हार्ट अटैक खत्म हो गए, कहीं जा रहे रास्ता में एक्सीडेंट हो गया, वही पर गिर गिर मर गया, वही पर रोज न्यूज पेपर पढ़ो, रोज न्यूज पेपर नई 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 बात सुनने को मिलेगी। अभी चाइना में कितने कैसे फ्लू आ गया, कैसे बीमारियां आ गया है, कितने लोग मर रहे हैं। इसलिए कहते भैया जीवन अनित्य जानल सार, सार मतलब ये जीवन तुम्हारी अनित्य है, है? ये नश्वर तुम्हारी जीवन है, लेकिन नश्वर जीवन है। प्रभुपाद के जड़ गर्व शरीर, मतलब ये शरीर क्या है बताओ, शरीर में अंदर पेट को फाड़ कर देखो ना, टाटी पेशाब खून पी, यही था, और कुछ तो है नहीं शरीर में। अब सवेरे उठ कर देखना, इसलिए सवेरे उठ आंखों में भी बदबू, मुंह में भी बदबू, नाक से भी बदबू, नीचे तो बदबू निकलता है शरीर से, शरीर में कुछ नहीं। अब ब्यूटी पार्लर में जाओ, बढ़िया करे सजाओ, 5 मिनट के बाद धूप में निकल जाओ, देखना तुम्हारी रोम रोम से बदबू निकली, रोम रोम से तुम्हारी बदबू निकली। इसलिए कहते हैं जो शरीर है वो केवल टाटी पेशाब खून पी का एक भांड है ही नहीं, लेकिन है तो ये चीज, लेकिन वो कह रहे हैं जीवन अनित्य जाना सार, सार मतलब, सार मतलब जीवन नश्वर है, हैं? फिर क्या ताहे नाना भी तो विपत्ति, केवल इतना नहीं, केवल अनित्य नहीं, ताहे नाना भी तो विपत्ति, हर समय में ये समस्या, ये समस्या, घर में ये समस्या, घर में ये समस्या, ये दिक्कत दिक्कत दिक्कत, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, परिवार से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई परिवार से दुखी, पैसा से दुखी, दुखी दुनिया। इसलिए ताहे नाना विध विपद भार, तो क्या करें, हरि नामाश्रय करी जतने तुमि ताकह अपन काज। भैया ये जीवन नष्ट है, लेकिन नष्ट होने पर भी ये शरीर से तो भगवान प्राप्त हो सकता है, इसी शरीर से तो भगवान तक जा सकते हो, हे नश्वर शरीर, लेकिन इसी शरीर से साधन करते हुए तुम ठाकुर जी को पास में जा सकते हो। इसलिए क्या करो, हरि नामाश्रय करी जतन तुम्हें, जतन पूर्वक क्या करो, भगवान के नाम का आश्रय लो, ठाकुर जी की नाम का आश्रय लो, हर समय हाथ में काम करो, सेवा करो, और मुंह में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के नाम करते रहो। इसलिए कहते हैं, है? जीवन जीवर कल्याण साधन काम जगत आसीय मधुर नाम अतिद्या तिमिर तब्बन रूपे हृद गगन बिराजे। कहते जीवन अनित जीवन कल्याण साधन काम, कहते भगवान नाम ने क्या क्या उदाहरण दिया, जैसे सूरज उदय होने पर क्या होता है, हर अंधकार दूर हो जाता है, हैं? देखना सूरज अभी उदय नहीं हुआ, पहले से जब केवल निकलने से पहले चारों तरफ के प्रकाश हो जाता है। उदाहरण दिया भगवान का नाम कैसे, बोले सूरज है, ये सूरज है, अगर ये प्रभु का नाम रूपी सूरज जब उदय होगा ना, सब के सब अंधकार दूर हो जाएगा, है? इसलिए जीवर कल्याण साधन काम, जीव कल्याण करने के लिए जगत आसीय मधुर नाम, जगत में भगवान कलयुग में किस रूप में आए हैं, इसलिए महाप्रभु जब संन्यास ले जा
लेकर जा रहे थे ना, सब भक्तों को लेकर बैठा कर समझा रहे, तो देखो कलयुग में मैं दो रूप में आऊंगा। इस कितने रूप में आऊंगा? दो। क्या क्या बोलो? एक भागवत में, भागवत तो एक अलग बात, इसलिए एक है नाम रूप में, दूसरा है जो घर में ठाकुर, घर में जो ठाकुर जी है ना, है कहते हैं ये दो रूप में कलयुग में अवतरण होगा। अगर वो दो चीज को तुम आश्रय कर लो ना, बेटा पार है, बेटा तुम्हारी पार है। एक अपना नाम है और एक ठाकुर जी है, है? ये ठाकुर जी स्वयं ठाकुर भगवान है, है? ये साधारण मत समझो, ये साक्षात भगवान है विग्रह रूप में। भगवान ये विग्रह रूप में क्यों आए? इनका नाम है विग्रह। विग्रह मतलब क्या है? बी मतलब विशेष पूर्वक, ग्रह मतलब भक्तों का प्रेम को, भाव को, सेवा को जो विशेष पूर्वक जो ग्रहण करते हैं, मतलब उनका जो सेवा पूजा कर रहे हो ठाकुर जी हर चीज को ग्रहण करते हैं, ठाकुर जी हर चीज को ग्रहण करते हुए हमारे ऊपर कृपा करते हैं। बोले इसी जगत में क्यों आए भगवान? दरअसल कारण बताए, बोले एक समय नारद जी इसी मरते जगत में आए, घर घर में गए, घर घर में गए, सबसे पूछे ठीक ठाक हो, सब मुंडी हिलाया, लेकिन जब अंदर की बात पूछा देखा कोई जगत में राइट नहीं, सब रंग है, कोई भी संसार में किसी को भी नहीं देखा संसार में कोई सुखी है, सबके सब संसार में दुखी दुखी। इतने में नारद जी गए वैकुंठ में, वैकुंठ में गए ठाकुर जी अनंत नाग वृषायन किए हुए और माँ लक्ष्मी चरण की सेवा कर रही थी और सारे देवता शांत आगारयन है बड़े सुंदर स्तुति गा रहे थे और भगवान मुस्कुरा रहे। और नारद जी ने कहा प्रभु ये दुनिया को आपने सृष्टि किया? बोले हाँ मैंने सृष्टि की। बोले खुद तो सृष्टि करके यहाँ पर आनंद में मजा ले रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, हैं? और ये संसार को सृष्टि कर दिया और मैं घर घर में गया सबसे पूछा और सबको मैंने दुखा दुखी, कोई संसार में सुखी किसको नहीं देखा, हैं? बनाया दुनिया आपने और दूर में डाल दिया, ये आनंद ले रहे हो? तब भगवान ने कहा बताओ नारद तुम बताना क्या चाह रहे हो? बोले प्रभु हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा, आपसे विमुख होकर के दुनिया में किसी को शांति सुख नहीं मिली, रावण तक भी उनको शांति नहीं मिली, इसकी स्वर्ण की लड़की मंगल जिसको पत्नी जिनकी एक लाख है, एक लाख पुत्र सवा लाख, जिसकी नाती जिसके घर में अग्नि की सेवा करती, वायु में झाड़ लगाती, काल को प्यार को नीचे दबा करके बैठा हुआ, जिस ग्रहों को पूजा करते सबको बांध करके रखा, ब्रह्मा स्वयं जाकर वेद सुनाते हैं जिसके घर में, उसको भी संसार में शांति नहीं मिली, सुख बेचैन, स्वयं को शंकर जी से प्रार्थना करते कब मैं सुखी बनूं, आशीर्वाद तो मैं कभी सुखी कब बनूं? अरे प्रभु जब तक तुम्हारी कोई सेवा नहीं करेगा ना तब तक मेवा नहीं मिलेगा, जब तक तुम्हारी सेवा नहीं करेगा तब तक मेवा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। बोले नारद जी बताओ फिर क्या करनी चाहिए? बोले प्रभु थोड़ी सी नीचे उतर जीव तो थोड़ी तुम्हारी सेवा करके शांति मिले। बोले मैं वैकुंठ में हूँ ना। बोले वैकुंठ किसने देखा? आप लोगों ने देखा वैकुंठ? कोई देखा है? सुना कोई वैकुंठ धाम है? बोले प्रभु सब तो सुने लेकिन कोई देखा नहीं, थोड़ा नीचे आओ। बोले कि रमा वैकुंठ ब्रह्मांड, एक वैकुंठ ब्रह्मांड का बाहर है और एक वैकुंठ ब्रह्मांड का अंदर है, रमा वैकुंठ है। बोले मैं रमा वैकुंठ में तो हूँ। बोले कौन देखा प्रभु? किसने देखा है? थोड़ा नीचे उतर। बोले मैं स्वर्ग में हूँ, वामन भगवान उतरे स्वर्ग में। बोले स्वर्ग तो सबके सब सुने हो, सुने भी नहीं स्वर्ग, लेकिन स्वर्ग देखा है आपने? नहीं देखा ना। बोले स्वर्ग सुने लेकिन स्वर्ग किसने देखा नहीं। बोले प्रभु और था नीचे उतर। बोले सबका हृदय में, हाँ इसलिए होता है एक वृक्षा है उसमें एक टहनिया में दो तोता बैठे हैं, एक तोता तो मीठा खट्टा फल खा रहा है लेकिन एक तोता केवल साखी रूप में दर्शन करता है, ये खट्टा मीठा फल कौन खा रहा है? ये जीव, कभी दुखी कभी सुखी, कभी सुखी कभी दुखी, ये खट्टा मीठा फल खा रहा है लेकिन केवल एक तोता केवल साखी रूप में दर्शन करता है, वो तोता कौन? वो परमात्मा, एक परमात्मा एक जीवात्मा लेकिन परमात्मा केवल साखी रूप में दर्शन करता है। इसलिए बोले प्रभु हृदय में हमारे ठाकुर है, एक नहीं ठाकुर है, लेकिन किसको अनुभूति है? किसको आप बता किसको अनुभूति अंदर में ठाकुर जी है? इसी बात है। बोले प्रभु और उसका नीचे उतर जाओ, इससे काम नहीं चलेगा, और नीचे उतर।
नारद जो बोलने पर ठाकुर जी ये ठाकुर विग्रह रूप में राधा कृष्ण रूप में ठाकुर जी राधा कृष्ण रूप में लड्डू गोपाल रूप में राम सीता रूप में लक्ष्मी नारायण रूप में ठाकुर जी इस जगत में ठाकुर स्वयं आए और इतने सुलभ हो गए ठाकुर को दर्शन करना कितना कठिन है। कहते यद्यपि समाधि सुविधिरपि पश्यति न तव नखाग्र परिधिम। इसलिए ब्रह्मा जैसे व्यक्ति ध्यान करते करते ठाकुर जी की चरण की नकली छटा तक भी दर्शन नहीं कर पाते। लेकिन देखो अभी ठाकुर का दर्शन किया कि नहीं सब किया कि नहीं मंगला आरती में दर्शन कर लिया जब इच्छा तब जाकर देख लो। नारद जी प्रसाद पाने के लिए कितने हजार साल तक लक्ष्मी की चरण की सेवा की तभी प्रसाद मिला। लेकिन देखो जब इच्छा सवेरे अभी भोग लगेगा बस और प्रभु जी जुगल पर किशोर पर भोग लगाएंगे। अभी ठाकुर जी को जब इच्छा भोग लगाए खाना प्रसाद पा लो दोपहर में भी राज भोग लगाए फिर शाम को भी फल भोग लगाते फिर रात को भी भोग लगाते। जब इच्छा ठाकुर को सामने रखो तुलसी बता दो भोग प्रसाद खाओ चकाचक चकाचक। फिर ठाकुर जी इतने नजदीकी आ गए जैसे ठाकुर को हम श्रृंगार करते हैं ठाकुर को ब्रह्मा जैसे व्यक्ति जिनके चरण की नख की छटा को भी दर्शन नहीं कर पाते। लेकिन जब ठाकुर को श्रृंगार करते क्या करते हैं अपने हाथों से श्रृंगार करते हैं कि नहीं। ठाकुर जी का अपने हाथों से श्रृंगार करते हैं तिलक लगाते हैं लड्डू गोपाल हाथ में बैठा लेते हैं। देखो ठाकुर जी कितने सुलभ हमारे हो गए ठाकुर जी सुलभ हो गए हैं। इसलिए ये नारद जी बोलने पर ठाकुर जी इसी रूप में आकर के जीवों को सेवा अधिकार दे रहे। महापुरुष स्वयं कहते हैं कलयुग में मैं दो रूप में आऊंगा एक तो ये विग्रह रूप में ठाकुर जी रूप में और दूसरे रूप में भगवान के नाम ठाकुर जी का नाम और ये विग्रह ये दो रूप में कलयुग में जीवों को कल्याण करने के लिए आऊंगा। इसलिए क्या करो एक तो ठाकुर की सेवा करो और ठाकुर मुंह में ठाकुर जी का नाम और भगवान की हरि नाम करो। ये दो रूप में ठाकुर जी जगत में आए हैं। इसलिए वो भजन में कहते हैं कृष्ण नाम सुधा करिया पान जुड़ाव भक्ति विनोद प्राण नाम बिना कि छोड़ नाही कार चौथो भवन भजन है। देखो इसमें कितना अच्छी बात कह रहे हैं बोले कृष्ण नाम सुधा करिया पान। ये नाम को क्या बताया भगवान का कृष्ण नाम सुधा सुधा मतलब होता है अमृत सुधा मतलब होता है अमृत। यदि ये नाम नहीं अमृत है लेकिन अभी हमें नाम अमृत नहीं लगता है अभी कड़वी लगती है। अब जब कोई सीरियल आए ना तीन तीन घंटा बैठ करते बैठे दूसरा माला लेकर बैठे बोला अभी तो खत्म नहीं हो रहा है कब माला खत्म हो जाएगा माला है बोले ऐसे क्यों कारण है हमारे जन्म जन्मांतर के पाप है ये पाप हमारे अंदर अपराध है इसलिए भगवान के नाम में रुचि नहीं हो रही। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं जैसे मिश्री मिश्री खाए हो कौन कौन खाए मिश्री सब खाए मिश्री खाने में कैसे लगता है मीठी लेकिन ये किस किस को कड़ू नहीं लगती है बोले कड़ी किसको लगेगी इसको जंडिस पीलिया की बीमारी हो जाए ना उसको मीठी नहीं लगेगी उसको कड़वी लगेगी क्यों उसको जंडिस पीलिया की बीमारी है सब उसको कड़वी लगेगी। लेकिन कृष्ण नाम कैसे बोले अमृत है लेकिन अभी हमें कड़वी लगते क्यों हमें बीमारी है किस चीज की भव रोग की बीमारी माया की बीमारी है ये बीमारी लगी हमें भैया बीमारी खत्म कैसे होगी उसका उपाय बताते हैं। जैसे पहले इतना दवा हवा नहीं होती थी पीलिया बीमारी की डॉक्टर कहते भैया मिश्रित तो सुशा कर लेकिन मिश्रित तो मीठा लेकिन अभी तक मीठा लगेगी नहीं अभी तुमको कड़वी लगेगी लेकिन कड़वी लगने पर भी मिश्री चुसो कहते मिश्री चुसो चुसते 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 धीरे धीरे अंदर से ये पीलिया बीमारी तुम्हारी सही होती जाएगी। जब सही होती जाएगी ना कुछ दिन बाद में देखना मिश्री फिर मीठा लगेगा जब मिश्री मीठी लगने लग जाए तो क्या समझना तुम्हारी बीमारी सही होगी लेकिन सही कैसे होगी मिश्री सही होगी और किसी तरह नहीं होगी और मिश्री सही सही होगी। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं उसी तरह का भगवान का नाम मीठा है लेकिन अभी मीठी नहीं लगती अभी कड़वी लगती है फिर क्या करनी चाहिए उसको उपाय कहते हैं मन नहीं चाहने पर माला लो माला लेकर बैठो हरिनाम करो मन इधर उधर भटकता है चिंता मत करो वो भटकेगा लेकिन माला जैसे कि छोटे बच्चे को अब स्कूल भेजो वो रोता है कि नहीं इधर सबसे पहले फिर मैया क्या करती है उसको हाथ पकड़ के ले जाती है खुद बैठाती है साथ में एक घंटा बैठती है ले जाती है उसके लिए स्नान कराती जूती पहना देगी कपड़ा पहना देगी जाओ लजल कितना
लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाए फिर उसको उसको अकल आ जाए, नहीं भैया हमसे उतने ज्यादा मार्क लाए नहीं, हम इस बार हम फास्ट है हाई डिवीजन में आनी चाहिए, फिर बच्चे को पहले है खिला पिला करके उसको भेजते थे ये करते थे। लेकिन अब देखना रोसी जैसे कोई नहीं, आज रोसी खाना नहीं बनी, लेकिन क्लास का टाइम हो गया, बच्चा क्या करता है खाना छोड़ करके चला जाता है, खाना छोड़ करके अपने स्कूल चले जाते हैं। लेकिन वही बच्चे को पहले रोता था, जाना नहीं चाहता था और पढ़ाई के लिए कितना कष्ट करता था, लेकिन जब बड़ा हो गया नहीं बढ़िया मार्क लाना, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा, 15-15 घंटा बच्चा रटता रहता है, क्यों मार्क लाना का। तो उसी तरह भगवान का नाम अभी अच्छी नहीं लगी, क्या करो, वो कहते हैं माला लो, माला लो लेकर के बैठो हरिनाम करो, करते करते क्या होगा, कृष्ण नाम सुधा करिया पान। जब करते करते ऐसी स्थिति आएगी भगवान का नाम से ही अमृत निकलेगा। चैतन्य चरितामृत में बताया जो माधवेंद्र गुरु थे वो किसी कुछ नहीं मांगते थे, अपने आप मिल गया तो खा लिया, अगर नहीं मिला तो क्या करते थे, जब ये माला जब करते थे ना भगवान के नाम, और नाम से ही अमृत निकलता था, उसी को ही पान करके तृप्त रहते थे, उनके खाने की कोई जरूरत नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी दिन में एक चूर का भी मट्ठा पी कर भजन करते थे, इतने मट्ठे से भी कुछ होता है नहीं, लेकिन जब कृष्ण नाम करते थे उससे अमृत निकलता था। इसलिए कह रहे हैं भैया कृष्ण नाम ही असली जो आनंद है ना, असली जो अमृत, केवल प्रभु का नाम, वो दुनिया में कहीं अमृत नहीं, दुनिया तो जहरी जहर है, दुनिया तो बीस ही बीस जहरी जहर है, केवल अगर तुमको शांति सुख मिलेगा तो प्रभु की नाम से ही मिलेगा और किसी से मिलेगा नहीं। इसलिए इसको पान करते हुए क्या करो, जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण है। इसलिए भक्तिमय ठाकुर कह रहे हैं तुम लोग जब हरि नाम करोगे ना इसको देख रहे मेरे को बड़ा शांति मिलेगी। इसलिए नाम बिना किछु नाही का आर जगत 14 भुवन माजे, ये 14 भुवन में नाम को छोड़कर और जगत में कुछ है ही नहीं, नहीं। सारी प्रभु का नाम, अब देखना जिंदगी में जो कुछ करो मत करो, अंतिम समय आएगा तो यही बोलते बोलते ले जाएंगे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है। प्रभु का नाम के सिवाय तुमने जो जीवन बिताया ना, एक सुई धागा से भी यहाँ नहीं जा रहे तेरे साथ में, सब छोड़ कर कहीं जा रहे हो, साथ में क्या जा रहे हैं, पायो जी मैंने राम रत्न पायो, जितने नाम किया वही जा रहे हैं, और जगह में सब ही खोवाए, और जगह जब उसको खोवाएंगे भैया उसको पीछे क्यों, जो जाएगा उसको पीछे क्यों नहीं बढ़ते हैं, क्या करनी चाहिए, अपना माला को ठीक से, हरिनाम को ठीक से करो, ठीक है ना, थोड़ी समय निकालो, थोड़ी समय निकालो करके बैठो, बैठ करके भगवान का नाम को रो रो करके ठाकुर का नाम जप करो, इसी से ही हमें जीवन में शांति मिली। देखो भजन में कितनी बात आ, समझ में आया एक भजन में कितनी बात है, इसलिए जो बंगला की जो भजन है ना, एक भजन को व्याख्या करोगे तो सारे शास्त्र उसमें, सारे शास्त्र देखो क्या उस, बताओ भजन में क्या है नहीं, उसने क्या नहीं समझाया बताओ भजन में। इसलिए बंगला भजन को सही से अगर पढ़ोगे समझोगे बहुत अच्छी अच्छी बात है, जिसको तुम्हारे जीवन को जगा देगा, पूरा जीवन को ये जगा देगा, वो ऐसे ऐसे भजन है, ठीक है। बोले से वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज जी आपने कहा कि अच्छे वस्त्र नहीं पहनो, अच्छा खाओ नहीं, तो महाराज जी अंदर से तो लगता है हमला पहने, ये लोग कहते हैं वहां जाओ तो पहन के जाओ, आप ही कह क्या क्या बोल रहे, कह रही अंदर से तो लगता है कि नहीं पहने, लेकिन ये सब पड़ोसी अड़ोसी घर वाले है ना जो ये कहते हैं कि कहीं जाना है तो अच्छा अच्छा पहन के जाओ। इसलिए महाप्रभु ने ये बताए अंतर निष्ठा करो लोक वाज्य व्यवहार, इसका मतलब है निष्ठा तो अंदर में रखो, लेकिन कभी कभी लोग को दिखाने के लिए कुछ करना, ये महाप्रभु कह रहे हैं। इसलिए क्योंकि इसी संसार में रह रहे हो, जब इसी संसार में रहते हो तो बाहर अगर तुम इस पहले पर तुम पदरा भी है ना, इसलिए अंदर में महाप्रभु कह रहे अंदर में निष्ठा रखो, लेकिन लोग को दिखाने के लिए कभी कभी कुछ करना पड़ता है। ये महाप्रभु स्वयं की बात को रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु खुद कह रहे हैं, अंदर निष्ठा करो लोगों को दिखाने के लिए, उसमें क्यों रह रहे हो संसार में, तुम छोड़ कर साधु संत तुम थोड़ी बन रहे हो। इसलिए प्रभुपाद क्या करते थे, हमारे जो प्रभुपाद जब वो कहीं प्रचार करने के लिए जाते ना एकदम भूख कोट पहनते हुए जाते थे, जब कॉलेज में जाते थे क्योंकि कॉलेज में ऐसे फट्टे फट्टे बैठे करके आपको घुसने नहीं देंगे, इसलिए अच्छी सभ्यता को अंदर घुसने नहीं देंगे,
इसलिए वो प्रभुपाद क्या करते थे, वो प्रचार करने के लिए, क्यों कारण है प्रचार करना, हमको महाप्रभु का वाणी को प्रचार करना, फटे फटे पहले जाओ तो हम तुमको घुसने नहीं देते, इसलिए जो कोट बूट सूट आप प्रभुपाद का पिक्चर देखना उसको कभी पहन कर गए प्रचार करने के लिए, क्यों महाप्रभु को प्रचार, महाप्रभु की प्रचार करने के लिए कुछ कुछ पद व्यवहार करना, अपना लिए नहीं महाप्रभु की सेवा के लिए हमें ग्रहण करना चाहिए। आप भी कहते हो खूब अच्छे से तैयार हो, अब भगवान के लिए जाओगे ना तैयारी, फिर कन्या के लिए जाओगे, कन्या देखिए दुनिया को दिखाने कृष्ण को दिखा, कृष्ण देव भवन वंदे, कृष्ण देव भवन वंदे, मन मानस मधुकर अर्पय निज पाद पंकज, हरे 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 राम हरे राम।
और जगह